धमतरी मगरलोड से मगरलोड ब्लॉक से महज 10 किलोमीटर क्वारंटाइन सेंटर में लापरवाही से मरीज हो रहे परेशान। आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी से कोरोना से जूझ रहा है। हॉस्पिटल में बेड की कमी, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के अभाव में कई मरीजों की मृत्यु हो रही। रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम से आए दिन कालाबाजारी हो रही। 900 रुपये के इंजेक्शन 10,000 रुपये तक बिक रहे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर लोगों का कहर बरपा रही। ग्राम दुधवारा क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्था और गंदगी से मरीजों को बड़ी दिक्कतें हो रही। लोग मास्क और सोशल डिस्टेंस का कोई पालन नहीं कर रहे। मरीज परेशान हो चुके, लेकिन यहाँ अनियमितता का आलम छाया है। ना ही शौचालय में पानी, पूरी तरह गंदगी युक्त हालात, ना ही स्वच्छ पानी की व्यवस्था है, ना ही भोजन की व्यवस्था और ना ही देखरेख में कोई चिकित्सक है और मरीजों को यहाँ रखा जा रहा। मरीज सारी आवश्यकताओं के सामान स्वयं अपने घरों से लाने में मजबूर हैं। जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी को सूचना देने पर कोई किसी प्रकार की समस्या का समाधान करने का आश्वासन भी नहीं देते, ना ही किसी प्रकार से गंभीरता दिखाते। अगर समस्याएं और ऐसे ही हालात रहे तो आम जनता का सब्र टूट जाएगा और स्वयं के भरोसे रहने को मजबूर हो जाएंगे। आम जनता पूरे भगवान भरोसे हो गए हैं। अपना बचाव स्वयं करें, मास्क लगाएं, लॉकडाउन का पालन करें। जी, मेरा नाम हेम सिंह साहू, ग्राम पंचायत दुधवारा सरपंच। जी सर, आपके ग्राम पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर में यहाँ पे जो रुके हुए हैं उनका कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे अनियमितताएं हैं, उनको बहुत सारी असुविधाएं से जूझना पड़ रहा है, तो इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे मोदी जी? देखो सर, ऐसा है कि जो शासन से आया है आदेश कि बनाना है इसको, तो स्कूल को हम प्राइमरी सारा को बना दिए हैं। वहाँ तो जैसे कि लाइट है, पंखा है, इसका व्यवस्था के लिए नीचे गद्दा है, पानी वानी हर चीज़ का व्यवस्था किए हैं। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे तो जो हम लोग लेटरिन बाथरूम देखें, आपको जो पानी का टंकी देखें और यहाँ जो गर्म पानी की व्यवस्था एकदम लचर नज़र आ रही है उस महोदय जी, इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? तो सर, गर्म पानी थोड़ा बहुत मिल सकता है सर, एकदम ज़्यादा कहाँ मिल पाएगा? अब भाई यहाँ पे इतने सारे परिवार रुके हैं अभी हैं और बढ़ेंगे, तो बाद में सर इन लोगों को जब सुविधा ही नहीं मिल पाएंगी, अपने घर से बाहर हैं, तो इसी चीज़ में क्या कर पाएंगे? क्या शासन के नियम भी है कि ज़रूरत की चीज़ है तो वो तो अपने घर से ही लाएंगे ऐसे करके? नाम महेश कुमार खरे, मैं CF से हूँ, सीता नदी कैंप जो गरिया बंदर है, यह धमतरी जिला का है। वहाँ से परसों मैं छुट्टी से आया है, तो उसको टेस्ट कराने के लिए पर्सनल टेस्ट जो RT-PCR टेस्ट होता है उसके लिए मैं रायपुर गया। रायपुर से आया तो करीब घर से भी किसी से ताल्लुकात नहीं रखा, किसी से कोई संबंध नहीं बना के रखा, सभी से दूर रहा। लक्षण वैसे कुछ नहीं था मेरे में, फिर भी जब रिपोर्ट आया 12 बजे रात को, तो मेरे घर वाले बताए कि रिपोर्ट में पॉजिटिव है। तो मैं पहले से घर से अलग था और माँ बाप है, छोटे भाई बहन है या खुद का बच्ची है, उससे दूर था पहले, तो कारण से मैं खुद अपने घर से अलग हो गया। और वहाँ था ना तो सुविधा युक्त था कि जो चीज़ ज़रूरत पड़ता था पास में ही था, मेरे घर वाले ला के छोड़ देते थे। अभी ऐसे है कि टाइम से अगर बुलाओगे, वहीं दूसरे काम से गए हैं या नहीं है घर में अभी, अभी मान लो नहीं है वहाँ, मान ले जाए कि वहाँ कोई उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ कोई सामान लाने वाले भी नहीं है, रख रहा है। शासन का नियम है ठीक है, लेकिन भाई जो सुविधा बना दी हैं उसको उपलब्ध कराना चाहिए। नहीं तो हर कोई जानता है कि COVID-19 का ये है कि अगर वायरस दूसरे में न फैले तो एक दूसरे से दूरी बना के रखो, घर से अलग हो जाओ, अपने हिसाब से रहने चालू कर दो। तो यहाँ अगर ला के छोड़ देने से बस कोई मतलब नहीं है। अगर जो शासन नियम लागू निकाला है, कलेक्टर महोदय जो नियम पारित किया है, तो गर्म पानी है, काढ़ा का है, कुछ भी, जैसे अपने घर में रहते थे तो सारी चीज़ का सुविधा वह उपलब्ध करवा लेते थे। अब नहीं हो पा रहा है तो ज़बरदस्ती यहाँ पे खुद का सुविधा बनाना पड़ रहा है, तो लकड़ी हर चीज़ का व्यवस्था चाहिए, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जैसा व्यवस्था होना चाहिए वैसे नहीं चल रहा है। इससे अच्छा अगर घर में होते ना तो अपने हिसाब से उपलब्ध करवा लेते हैं। ठीक है। लक्ष्मी नारायण खरे, ग्राम पंचायत दुधवारा, कोविड सेंटर दुधवारा में अभी हूँ। क्या समस्या महोदय आपके कोविड सेंटर में? यहाँ तो ऐसा है सर, नाम की कोविड सेंटर है, यहाँ कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। यहाँ तक एक ही शौचालय में सब लोग उपयोग कर रहे हैं और उसी शौचालय के अंदर सब लोग नहाने को मजबूर है। शौचालय के अंदर नहाते हैं पानी भर जा रहा है। और हम लोग इससे पहले होम आइसोलेशन थे, जो अपने अपने घर में बहुत अच्छे ढंग से थे, और यहाँ लाने के बाद ना हमको कोई पानी देने वाला है, ना चाय देने वाला है, ना ज़रूरत में नाश्ता वगैरह जो चीज़ हमको चाहिए वो नहीं है। दूसरी चीज़, मरीज़ के साथ भावनात्मक संबंध होना चाहिए ऐसा भी नहीं है कि यहाँ जिन जिन की ड्यूटी लगी हुई है, सरपंच सचिव ये लोग तो आते हैं, पटवार भी आते हैं, लेकिन बाकी और जो लोग हैं वो यहाँ पर कोई अभी तक आया नहीं है। बड़ी गंभीर समस्या है सर,
एक ही रूम में तीन लोगों को रखा गया है, दो लोगों को रखा गया है, ये तो और ज़्यादा दिक्कत है। तो आप इसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं मोदी जी? हम चाहते हैं कि जो भी शासन से अवेलेबल है, यदि शासन से नहीं है तो पंचायत से भी जो भी मदद हो मानवीय दृष्टिकोण से, चाय पानी की, खाना पीना, हल्का फुल्का नाश्ता की व्यवस्था करे और मानवीय दृष्टिकोण से पेशेंट के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखे ताकि पेशेंट डिप्रेशन में ना जाए और जल्द स्वस्थ लाभ मिल सके। ठीक। खबर भारतवर्ष के लिए धमतरी छत्तीसगढ़ से निमेश शुक्ला की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।